प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान सोमवार को होगा और इसके लिए कांग्रेस वॉर रूम पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे खुद वॉर रूम की मॉनिटरिंग करेंगे और पीसीसी में मीडिया से मुखातिब होते हुए पांडे ने कहा कि पहले चरण के मतदान में करीब 650 से भी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी और इनमें सर्वाधिक शिकायतें मतदाताओं को अधिकारियों की ओर से भाजपा को वोट करने का दबाव डालने और कांग्रेस के वोटरों को मतदान केंद्र पर जाने से रोकने और साथ ही ईवीएम में घंटों तक बंद रहने सहित कई मुद्दों को लेकर शिकायतें आईं और इसके लिए पहले से ही इस बार निर्वाचन विभाग से शिकायत की गई। इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे ने पीएम मोदी की ओर से राजीव गांधी को लेकर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, जो अनुभव हमको पहले चरण में आया उस संबंध में माननीय चुनाव आयोग को हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है उनके तरफ से सविस्तार क्षेत्रवार और वहाँ के संबंधित जो ईवीएम मशीन से संबंधित या चुनाव मतदान केंद्र में आने वाली जो गड़बड़ियाँ हमने देखी उस विषय में उनको हमने पहले से ही सूचित कर दिया है कि इस प्रकार की गलतियाँ पुनः दोबारा रिपीट ना हों, क्योंकि विशेष कुछ क्षेत्रों में ये देखने में आया है कि वहाँ के अधिकारी या तो दबाव डाल रहे हैं मतदाताओं पर कि वे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कुछ जगह पर हमारे मतदाताओं को रोका जा रहा है कि किसी प्रकार से वोट ना करें, और तीसरी बात ईवीएम से संबंधित जो बहुत ही गंभीर शिकायत है कि कहीं कहीं पर ईवीएम मशीन तीन तीन घंटे चार चार घंटे फेल पड़ी रही, वहाँ पर मतदाता लाइन लगाकर घंटों खड़े रहे, कई जगह में बहुत ही स्लो हो गई और एक विशेष समय में ईवीएम मशीन कुछ क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। तो ये एक गंभीर विषय जिसको मैं समझता हूँ कि पहले से ही अगर ध्यान दें तो निष्पक्ष तरीके से जो लोग मतदान करने आए हैं उनको मतदान करने का अवसर हम सही